जैगल दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई राहुल नागपाल आज आपको लेकर के आया हूँ संगाराम बौद्ध विहार दिल्ली। जी हाँ, ये संगाराम बौद्ध विहार है जो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय कार्यालय, और हमारे साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि बौद्ध भिक्षु भदंत आनंद जी बैठे हैं जो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन, जो बौद्धों का सबसे बड़ा टेम्पल है जो बिहार में है, उसकी मुक्ति का आंदोलन जो है उसके भी बंते जी अध्यक्ष हैं, की देख रेख में वो आंदोलन चल रहा है। बंते जी, एक बड़ा सवाल आजकल मुल्क के अंदर पनप रहा है कि जो अयोध्या मामले पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो जिन लोगों ने अयोध्या मामले को लेकर के बंते सुमित्र रतन और कुछ राजनेताओं ने एक पिटीशन डाली थी कि यहाँ खुदाई में अवशेष निकल रहे हैं बुद्ध के, तो यहाँ बुद्ध विहार बनना चाहिए, उनकी कंप्लेंट को खारिज कर दिया गया और उन पर 1-1 लाख रुपए और जुर्माना कर गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप संघ के अध्यक्ष हैं भिक्षु संघ के, या उन भिक्षुओं से आपकी कोई बातचीत इस बारे को लेकर हुई थी? राहुल जी, मैं काफी समय के बाद आपकी चैनल पर रूबरू हो रहा हूँ। जी धन्यवाद। और फिलहाल मैं लॉकडाउन में कैद था आगरा में जी, और वहां से यहाँ आया। इस पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन श्रोताओं से, उन दर्शकों को जो आपके चैनल को सुनते हैं, देखते हैं, या अभी देख रहे हैं या ये देखेंगे। इस देश को स्वतंत्र हुए 60-62 वर्ष होने को जा रही है। हमारे देश में मानव को बोलने की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर जबरन किसी विचारधारा को थोप नहीं सकता है। अगर कोई आदमी किसी बात को जबरन जो है बार बार बोलने की कोशिश करता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है, तो दूसरे को भी पूरी ताकत के साथ उसको विरोध करने का उसका हक है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार ये कार्य कर रही है, प्राय ये देखा जा रहा है कि अगर लोग इनके सुर में सुर मिलाएं तो इनको बहुत अच्छा लगता है जी। लेकिन अगर कोई सच बात कहे तो इनकी नज़र में वो देशद्रोही हो जाता है। जहाँ तक राम लला को लेकर के ये चर्चा हो रही है जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, सारा देश ये जानता है, इतिहासकार ये जानते हैं, बड़े बड़े देश के पंडित मनीषी इस बात को जानते हैं कि राम का कभी भी अयोध्या में जन्म नहीं हुआ। इसका कोई भी इनके पास ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाण नहीं है। मात्र कल्पना की महल पर या कल्पना की धरा पर ये मनगढ़ंत रचना के माध्यम से उसको थोपने का काम कर रहे हैं। आपका ये मानना है कि राम जो है वो पैदा ही नहीं हुआ? मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को कि उत्तर भारत में ललई सिंह यादव नाम का एक क्रांतिकारी व्यक्ति हुआ जी, जिसने बहुत जबरदस्त, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा अनुसंधान इस रामायण के ऊपर, रामायण के पात्रों के ऊपर देश में संभवतः किसी ने किया हो। हाँ, ये कह सकता हूँ कि मद्रास में रामास्वामी नायकर थे जी, जिन्होंने इन तमाम काल्पनिक बातों को नहीं माना और उसको जो है दरकिनार किया। यहाँ तक कि उनका कहना तो ये था कि अगर कोई ब्राह्मण बात करता है तो उसकी चोटी पकड़ के खींच लो और जमीन पर राम राम लिखो और उस पर 5 जूते मारो। ये उनका एक आंदोलन चला पैरियर साहब का, बहुत लोगों ने हंगामा किया जी। अब यहाँ एक चीज समझने की है कि देश के एक कोने में राम का रामलीला मनाई जाती है तो देश के दूसरे कोने में रावण लीला मनाई जाती है। एक ही देश में राम के मानने वाले हैं और दूसरी तरफ जो है रावण के मानने वाले हैं। क्या राम के मानने वाले लोग रावण के मानने वाले लोगों का विरोध कर सकते हैं, जबकि रावण के मानने वाले लोग जो है राम का विरोध करते हैं? यहाँ एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि राम सही माने में कोई ऐतिहासिक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर ये माना जाए कि फला तारीख को, फला महीने में, फला सन में, फला जगह पर अयोध्या में राम का जन्म हुआ था। वो स्थान कौन सा है, वो जगह कौन सी है? अयोध्या तो बहुत बड़ी है। मतलब इसके लिए जो बात आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, जो वाल्मीकि रामायण है या जो तुलसीकृत रामायण है, क्या उसको दस्तावेज नहीं माना जा सकता? देखिए, वाल्मीकि ने जो लिखा या कहा वो भी एक कथा है काल्पनिक, क्योंकि वो लव कुश राम की राजधानी में ही जाकर के गीत गा रहे हैं और वो राम के सामने ही खड़े हुए कह रहे हैं कि वो राम कैसा था आपके राज्य का, जिसने बेचारी सीता, निर्दोष सीता के साथ इस तरह का अत्याचार किया। हालांकि राम को लोगों ने बताया ये आपकी संतान है, लेकिन वो संतान ये नहीं जानती थी कि ये इनके पिताजी हैं,
उनकी जो है माँ ने उनको अच्छे से समझाया था, उसी बात को बढ़ा चढ़ा करके जो है तुलसी ने कह दिया। ठीक है, अभी यहाँ एक समझने की चीज है कि लव और कुश, लव तो पैदा हुआ राम का थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उनके आधार पर, लेकिन दूसरा कुछ पैदा हुआ घास से। तो मुझे कोई आदमी ये बता दे, इतना बड़ा बेवकूफ आदमी इस देश में जो पैदा हुए हैं, क्या और किसी देश में नहीं जा सकते थे? वो जब घास से आदमी कुछ बन गया, तो क्या वर्तमान समय में या उस समय से लेके आज तक कहीं भी भारत की किसी भी धरती में, दुनिया के किसी भी कोने में कोई घास से आदमी पैदा हुआ? पहली बात। दूसरी बात ये, जिस तरह से रचना ये बताते हैं घास से, बकरी के पेड़ से, पलाने से, निकाने से, ये सारी बातें जो है व्यर्थ है, काल्पनिक है, झूठी है, बकवास है, बगेड़ियों की है, अफीमचियों की है, जिसका कोई भी ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। उन्होंने जो लिखा ललई सिंह यादव ने, उन्होंने कहा राम कभी पैदा नहीं हुआ, ये एक पहेली है, कल्पना के आधार पर कोई उपन्यास बनाया है। पूरे देश में हंगामा हुआ, बहुत लोगों ने गालियां दी, लोग कोर्ट में गए, उनकी किताब को जब्त कराया, वो उनके खिलाफ कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में लोगों ने उनके खिलाफ पिटीशन दायर किया, वो वहाँ हार गए, फिर पिटीशन उन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट में गए और मजबूर होकर के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने उनकी उस पुस्तक को स्वीकार किया और उन्होंने सच्ची रामायण लिखी, रामायण की कुंजी लिखी और धड़ल्ले के साथ वो जो है छपी बिकी और पूरे देश में उसको उन्होंने बांटा। लेकिन जबरन लोगों ने उनके साहित्य को जलाने का प्रयास किया, जबरन लोगों ने उनके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार किए, लेकिन 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 एक बात सत्य ये है कि उन्होंने कहा, चैलेंज के साथ उन्होंने कहा, कोई भी आदमी आज तक ललई सिंह यादव की बात का जवाब नहीं दे पाया, ना वो सिद्ध कर पाया कि ललई सिंह जो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ललई सिंह ने जो किताब लिखी वो उस रामायण का ही अनुसंधान उन्होंने किया, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो जो तुलसीदास की हो, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि राम कभी यह पैदा नहीं हुआ, ये मात्र एक धोखा है, छलावा है। यही बात पेरियार साहब कह रहे हैं, यही बात ललई सिंह यादव कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ललई सिंह यादव की किताब पर ये कह रहा है, मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि हाँ राम कभी पैदा नहीं हुआ, एक काल्पनिक कथा है। यही बात देश के सबसे बड़े वकील क्या नाम राम जेठ मलानी साहब ने कही कि राम कभी पैदा नहीं हुआ, और इस युग में अगर राम होता तो गर्भवती पत्नी को छोड़ने के लिए बड़ा फाइन होता। लेकिन उसके बावजूद भी जो सुप्रीम कोर्ट मतलब कई दशक पहले इस बात को पेरियार रामास्वामी नायकर और ललई सिंह यादव की किताब पर यह बात स्वीकार कर चुका है कि राम कभी पैदा नहीं हुआ, वही सुप्रीम कोर्ट आज राम को लीगल पर्सन मान करके उसे जमीन दे रहा है। ये क्या एक ही कोर्ट के दो फैसले क्यों? एक जगह राम को नकार दिया गया, दूसरी जगह राम को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ मैं एक बात ये कहूँगा कि इस बात को कहने से पहले एक और जज थे जी, जिन्होंने इनके फेवर में बात की वर्तमान सरकार की, मैं उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। नीचे से ऊपर तक हम देखें, एक तो उनकी मेजोरिटी है पार्लियामेंट में जी, दूसरा राष्ट्रपति उन्होंने बना रखे हैं, तीसरा जो है उनका जो ये जो चुनाव का जो आयोग का वो होता आयुक्त, वो उनका अपना आदमी है। ठीक है, और जो कुछ भी उनकी ढपली है वो अपना राग अलाप रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ये कह सकता हूँ, जज भी नैतिकता की दृष्टि से, नेचर की दृष्टि से, मेरे अपने विचार है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी विचारों से लोग सहमत हो। जब मान लीजिए वो किसी चीज को कह रहे हैं और ये कह रहे हैं ये सच है, इसे स्वीकार करो, मैं क्यों स्वीकार करूं उस बात को, जो मैं क्यों मानूं? कोई जबरदस्ती मनवाना का दादागिरी है क्या? ये तो भारत का संविधान सबको मौलिक अधिकार दिया है बोलने का। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे जो है हाई कोर्ट के जज हो, उनको मैं भगवान तो नहीं कह सकता नहीं, और पट्टी बंधी हुई है न्याय के ऊपर। इसका मतलब है अदालत का जो जज है, जो न्याय जो है अंधा है, पट्टी बंधी हुई है उसके ऊपर, तराजू है सामने जो है, वो दस्तावेजों के आधार पर जो प्रूफ होता है, सबूत होता है, उसके आधार पर फैसला करते हैं। तो एक बात मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आई कि किस आधार पर वो रामलला को मूर्ति दी गई, मुझे जगह दी गई, क्यों? एक तरफ तो वही जज ये कह रहे हैं कि अदालत में फैसला भावना पर नहीं होता है, दस्तावेजों पर होता है। तो क्या वो फैसला दस्तावेजों पर हुआ अथवा भावनाओं पर हुआ? यदि भावनाओं पर हुआ तो उनका जजों का ये कहना
कि यह दस्तावेज के आधार पर फैसला होता है अपने आप में झूठा साबित होता है, और यदि वो गलत थे कि नहीं दस्तावेजों पर नहीं भावनाओं पर होता है तो सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी आदमी अदालत में जाकर रोने लगे, कोई भी जाकर अदालत में औरत रोने लगे, उसकी बात को सही मान लिया जाएगा। यहाँ ये बात स्पष्ट है, सुरेंद्र अज्ञात ने लिखा हिंदू हारों की दास्तान है, भदन दारद कौशल्या ने लिखा राम की कहानी राम की जुबानी, उन्होंने किताबों लिखी तुलसी की तीन बात, साथ साथ बाबा साहब ने लिखा कृष्ण राम एक पहेली, उस पर महाराष्ट्र में हंगामा हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस भारत की धरती पर लोगों ने इतना झूठ बोला कि वो यही कहते रहे ये राम लला यही पैदा हुए, अब यहाँ राम लला आएंगे, मंदिर यहाँ बनाएंगे, सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि वहाँ राम अगर पैदा होते तो उनका कोई ना कोई तो सबूत होता, जबकि राम लला वहाँ रखे गए, राजनीतिक उसी में रखे गए, ताला भी लगा, ताला भी खुला, ये राजनीति एक मुद्दा बना दिया, ये धार्मिक मुद्दा जो था कल्पना का उसको साकार करने के लिए उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना दिया। और एक पार्टी ने जब मंडल कमीशन का विरोध किया तो उसको दबाने के लिए राम रथ की यात्रा शुरू की गई, और उसने पूरे देश में ये कहा कि राम वहां पैदा हुए थे इसलिए वहां हम राम मंदिर बना के रहेंगे, और स्वतंत्र भारत की धरती पर कानून के लोगों के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, मुख्यमंत्रियों के बयान देने के बाद, आश्वासन देने के बाद उस मस्जिद को तोड़ दिया गया। तब प्रश्न एक पैदा ये होता है जब मस्जिद वहां थी नहीं तो उन्होंने जो तोड़ा वो क्या चीज थी जी। और फिर उनको 5 एकड़ जगह क्यों दी गई, ये बड़ा। मैं तो उसमें अभी जाने से पहले एक बात और कहूंगा, रामलला की सब जमीन थी मैं ये मान लेता हूं, लेकिन प्रश्न वहां ये था कि हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस लैंड, मुसलमान मालिक है या रामलला के मानने वाले मालिक है, वो फैसला तो हुआ नहीं। पहले फैसला तो ये किया कि 3 लोगों को बराबर बराबर बांट दिया जाए, बाद में परमिटिशन दायर हुआ, सरकार ने कहा कि इस मामले को जल्दी सुलझाया जाए, बहुत पुराना है, इससे भी ज्यादा पुराने केस है हमारे देश में, उनको सरकार क्यों नहीं सुलझाना चाहती है। बुद्धगया का महाबोधि बिहार सारी दुनिया जानती है कि बौद्धों का है, अरे उन बौद्धों का भी लोगों ने पिटीशन दायर किया हुआ है, क्या उस पिटीशन को 20 दिन में 40 दिन में 2 महीने में 3 महीने में खत्म कराने के लिए, सुनवाई करने के लिए ये सरकार जो है उच्चतम न्यायालय को आदेश दे सकती है, नहीं दे सकती है। तो पर्सनली उसके लिए आदेश क्यों दिया गया, क्योंकि इनकी मेजोरिटी है, इनका बहुमत है, इनका जो है, और वो जब सारी चीजें हो गई तो इन्होंने कहा अब हम उसका शिलान्यास करेंगे, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उसका शिलान्यास करने के लिए। यानी दुनिया के लोगों में एक मैसेज, मस्जिद तोड़ी गई, रामलला को जो है वहाँ जगह दे दी गई जहाँ मंदिर बनेगा, तो मैं देश के प्रधानमंत्री से ये जानना चाहता हूँ मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन क्यों दी, क्योंकि माता मस्जिद थी ही नहीं, क्या जरूरत थी उनको 5 एकड़ जमीन देने की। ये फैसला एक तरीके का समझौता रहा है, समझौता भी नहीं कह सकता मैं तो इसको, अन्याय मानता हूँ मेरे विचारों में, अन्याय इसलिए मानता हूँ कि एक तो आपने किसी के धर्मस्थल को तोड़ दिया। अभी मैं ये कहता हूँ भारत की धरती पर जितने भी पुराने मंदिर है, चाहे वो कोंकड़ का मंदिर हो या कोई और मंदिर हो, जो पुराने मंदिर है, चाहे ब्रह्मा का हो, किसी का भी हो, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ वो सारे के सारे बुद्ध विहारों को परिवर्तित करके बनाए गए हैं। यदि मैं ये घोषणा कर दूं कि सरकार ने अगर हर धर्मी को नहीं त्यागा तो भारत के बौद्धों की ओर से मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करूंगा कि जितने भी ये मंदिर है ये सारे के सारे बुद्ध विहार है और बौद्ध इसको लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको लड़ाई लड़नी पड़े, भारत में लड़ाई लड़नी पड़े, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाना पड़े, लेकिन बौद्ध अपने हक को लेके रहेंगे, क्योंकि बदमाशी की शुरुआत तुमने की है, हमने नहीं की है। जब तुम अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो बेईमान लोग हो, दूसरों की जमीन पर कब्जा करके तुम बैठे हो, ईमानदारी से अगर तुम भगवान के भक्त हो तो वो स्वेच्छा से उनको दे दो। अभी एक प्रश्न और करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा, राम ने अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष जंगल में व्यतीत किए,
कोई भी भारतीय धरती का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, संतरी, पंडित, कोई भी, यानी जगत गुरु शंकराचार्य, एक्स वाई जेड कोई भी हो, मुझे ये बता दे इनमें से कितने लोग अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उन्हें सुबह उठकर के स्नान कराते हैं, उनको सुबह शाम प्रणाम करते हैं, सबसे पहले उन्हें खाना खिलाते हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि राम ने मर्यादा का पालन किया, तो तुमने मर्यादा का पालन क्यों नहीं किया? तुम तो राम की आड़ में समाज को गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हो। जब राम सीता को पाने के लिए अकेला सक्षम नहीं हुआ, उसे बाणरों का साथ लेना पड़ा, उसे हनुमान का साथ लेना पड़ा, और उसे दूसरों का साथ लेना पड़ा। और अगर उसको देखा जाए तो सुग्रीव की हत्या कैसी की गई, रावण की हत्या कैसी की गई, सब छलकपट भरेम से किया गया। और वही छलकपट भरेम का जो आधार है वो तुम्हारा है, और छलकपट भरेम का आधार कभी भी जिंदगी में कोई भी आदमी कभी सफल नहीं हुआ, तो आप भी सफल नहीं होंगे। क्योंकि जिसने दुनिया बनाई वो बनाने के बाद भयभीत हुआ। राम के पास धनुष बाण है, अरे भाई वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा का पालन करने वाले थे, इतने महान थे, मैं तो कहता हूँ घर घर में उनकी पूजा करो। लेकिन धनुष बाण की जरूरत क्या थी उनको, जिन्होंने तीर कमान चला करके लोगों की हत्या की? तो उनके अनुयायी जो है, अगर मैं उनसे ये कहूँ कि वो अहिंसा के पुजारी होंगे तो ये मेरा पागलपन होगा, वो तो हिंसा के पुजारी होंगे। शंकर को क्या आवश्यकता थी त्रिशूल रखने के लिए जो है, बल्कि त्रिशूल अगर मैं इस पर चर्चा करूं तो इन्होंने सब बौद्धों की अच्छाई को लेकर के अपना लबादा उसको पहना दिया है, केवल ये कहने के लिए हम सब हिंदू हैं। इसमें से भारत का कोई भी आदमी ये सिद्ध कर दे मुझे कि ये हिंदू शब्द कहाँ से आया। सनातनी हो सकता है, वैदिक संस्कृति को ये बोल लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? मेरे दृष्टि में तो कोई मुझे पूछे तो, जब पाकिस्तान बना हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान में वो लोग हैं जो हिंदू हैं, पाकिस्तान में वो लोग हैं जो पवित्र हैं। पवित्र लोग हिंदू लोगों को कायर मानते हैं, बुजदिल मानते हैं, चोर मानते हैं, काला मानते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी है। कोई मैं तो नहीं कह रहा जो है कि यानी मेरी तरफ से कोई जोड़ रहा हूँ जो है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आप राम का मंदिर बनाकर क्या देश की बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं? राम का मंदिर बनाकर क्या हमारे देश के लोगों को उच्च कोट की यानी टेक्निकल एजुकेशन दे सकते हैं? यहाँ बड़े बड़े इंजीनियरों का आविष्कार कर सकते हैं? या यहाँ पर बहुत बड़े डिग्री कॉलेज हॉस्पिटल्स खोलकर, अंतर्राष्ट्रीय यानी हॉस्पिटल खोल करके दुनिया के लोगों का इलाज कर सकते हैं? एक बात यह कहना चाहता हूँ, ये थोड़ी सी इससे हटके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि राम के भक्त थे हनुमान। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, ठीक है, और हाय करोना, हाय करोना, हाय करोना, देवी देवताओं तक के ताले बंद हैं। 33 करोड़ हमारे देश में देवता है, और मैं समझता हूँ उनसे ज्यादा देशभक्त देवताओं से ज्यादा आदमी भी नहीं है, क्योंकि वो इतने ईमानदार है, भारत की धरती को छोड़ करके दुनिया के किसी भी देश में नहीं गए। या तो लोगों ने उनको घुसने नहीं दिया, या फिर उनकी हिम्मत नहीं थी वहां जाने की। इसलिए मैं एक बात यहां ये कहूंगा कि हमारे देश के शक्तिशाली देवी देवताओं ने सूर्य को उठा करके अपने मुंह में रख लिया। अरे देवताओं, मैं एक बहुत बिच्छू होकर आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस कोरोना वायरस को भी अपने मुंह में जबड़ा खोल के कहीं दबा के बैठ जाओ तो कम से कम दुनिया को राहत तो मिलेगी। नहीं तो ये ढोंग के पिटारे बंद कर देना चाहिए, आरती करने से या ढपटी बजाने से या यज्ञ करने से, ये सब हो तो हमारे देश की टीम जब विदेशों में जाती है तो यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, घंटे बजते हैं मंदिरों में, थालियां बजती है, अभी थालियां बजी प्रधानमंत्री ने कहा जो है, और अभी बोल रहे हैं घर घर में चिराग जलाओ। क्यों? वो वहां राम के मंदिर की शुरुआत होने जा रही है, उनको पता नहीं है शराबस्ती नरेश ने बुद्ध के आगमन पर शराबस्ती को दुल्हन की तरह से सजाया था और दीप जलाए थे। अब तो वो कह रहे हैं कि दीप जलाओ। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी भारत का आदमी ऐतिहासिक दृष्टि से दस्तावेजों के आधार पर ये सिद्ध नहीं कर सकता, उनका बाप भी सिद्ध नहीं कर सकता कि यहाँ राम कभी पैदा हुआ। केवल दादागिरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, तानाशाही से किसी चीज को वो स्थापित करना चाहते हैं। तो सिर्फ मैं एक बात कहूँगा, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े राजा महाराजे जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया पूरी दुनिया पर शासन करने के लिए, लेकिन उनके फर्ज थे तो क्या,
उनके बाप दादे तक भी जो है उसमें कामयाब नहीं हुए। आदमी के दिल में यदि प्यार हो तो प्यार से इंसान को जीत सकता है। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आजमा। और प्यार इनके दिल में नहीं है, ये सब शैतान इबलीस की संतान है। और उस हिंसा के आधार पर लोगों का कत्लेआम करके या लोगों पर जुल्म करके जो है अपनी संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं, जो कभी भी नहीं होगी। इनके बाप नहीं कर पाए, 2500-3000 वर्ष में बुद्ध के दर्शन को समाप्त नहीं कर पाए। ये जमीन खोदी जाती है, बुद्ध निकलता है, प्रधानमंत्री विदेशों में जाके कहता है मैं बुद्ध की धरती पर आया हूँ। ये कैसा दोगला प्रधानमंत्री है, बाहर कहता है बुद्ध की धरती से आया हूँ और भारत की धरती में कहता है हमें हिंदू गणराज्य स्थापित करना है। प्रधानमंत्री की भाषा में भाई आपस में तालमेल नहीं है। और ये मैं कोई इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही मैं कह रहा हूँ। बाहर कहते हैं मैं बुद्ध से आया, बल्कि योगी जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, जब बाहर से कोई बुद्धिस्ट कंट्री से आता है तो उसे भगवान बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं, उसको राम की मूर्ति क्यों नहीं देते, कृष्ण की मूर्ति क्यों नहीं देते। और एक प्रश्न मेरा और है, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं सोचने वाले लोग हैं उनसे मेरा एक प्रश्न है। राम सूर्यवंशी थे, कृष्ण जो थे यदुवंशी थे। पूरी देश की धरती पर जहाँ कहीं भी रामलीला मनाई जाती है, आज भी किसी भी यदुवंशी के बेटे को कृष्ण नहीं मनाया जाता, सूर्यवंशी किसी व्यक्ति को राम नहीं बनाया जाता। तो मैं लोगों से जानना चाहता हूँ, उन यादवों से जानना चाहता हूँ, क्षत्रियों से जानना चाहता हूँ कि वो अवतारी आपका था लेकिन ब्राह्मण ही क्यों राम या कृष्ण बनेगा। ये ब्राह्मण की चालाकी, बदमाशी, फरेबी, कूटनीति, जब तक लोगों की समझ में नहीं आएगा तब तक ये देश अंधविश्वास, रूढ़वाद, भाग्यवाद और ईश्वरवाद के पिटारे में इसकी बुद्धि कैद रहेगी और ये मानसिक रूप से गुलाम रहेगा। जब पढ़ा लिखा आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो किसी भी जगह से गुजरता है तो हाथ जोड़ता है, जो आदमी किसी उसको देख करके मंदिर उसको देख करके हाथ जोड़ता है, क्या कभी उसने किसी आदमी से प्यार किया, क्या कभी किसी छोटे आदमी को उसने गले लगाया, क्या किसी भूखे आदमी को अपने घर में खाना खिलाया। भगवान का मानने वाला सबसे बड़ा नास्तिक है, सबसे बड़ा हिंसक है, सबसे बड़ा देशद्रोही है, सबसे बड़ा बदमाश है जो आदमी से नफरत करता है। और यदि वो नफरत करता है तो कभी वो ये नहीं कह सकता कि मैं राम का पुजारी हूँ, भगवान का पुजारी हूँ या किसी का पुजारी हूँ। अंत जी एक सवाल चलते चलते रह गया, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ओली जी, उन्होंने भी पिछले दिनों एक बड़ा विवादित बयान दिया था, भारत में बड़ी चर्चा उस बात को लेकर के। उन्होंने कहा कि राम सीता जो नेपाल की थी तो राम भी नेपाल के थे, जो हमारे यहाँ हम जो सीता के पति राम हैं वो नेपाली थे, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। और भारत में जो जिस राम की वो बात कर रहे हैं, राम का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं, वो काल्पनिक राम है। तो इनकी बात और हिंदू राष्ट्र जिसको ये कहते हैं नेपाल, इनके लिए तो इन्हीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने ओली ने शर्मा ओली ने ओपी शर्मा ओली ने बयान दिया है। दूसरी तरफ अगर ये कहते हैं कि राम अयोध्या में पैदा हुई है और अयोध्या राम जन्मभूमि है, तो वहाँ खुदाई में सिर्फ बुद्ध निकलते हैं, राम का एक भी अवशेष नहीं निकल रहा। और तीसरी तरफ जहाँ लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने जब दावा किया गया खुदाई में बुद्ध निकल रहे हैं, इसलिए क्या नाम है इसका, यहाँ बुद्ध विहार बनना चाहिए और यहाँ राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो उन लोगों को उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया, उन पर 1,00,000 रुपये जुर्माना और कर दिया। एक सवाल का एक चलते चलते ये जवाब हमारे पास। मैं दोनों के संबंध में एक बात कहूँगा, वो ये कहती है कि राम हमारे यहाँ पैदा हुआ, नेपाल नेपाल के लोग, ठीक है। उधर थाईलैंड ये कहता है कि राम हमारे यहाँ पैदा हुए, यानी थाईलैंड में ही ओरिजिनल जो है राम की जन्मभूमि बताई जाती है, वहाँ लोग मानते भी हैं, कंबोडिया में भी मानते हैं लोग जो है, ठीक है। हमारा प्रश्न ये है कि वो ये कह रहे हैं कि राम यहीं पैदा हुए, तो क्या नेपाल के आदमी झूठ बोल रहे हैं, थाईलैंड के आदमी झूठ बोल रहे हैं, तो इनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि आप हमारे राम को अपना राम क्यों बना रहे हैं। और एक तरफ जब बताया जाता है कि राम गड़गट में व्यापक है, तो भाई तुम ही जो राम के ठेकेदार हो क्या, कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। यानी दादागिरी से उन्होंने उसको धमकी दी, वो उनके लोग जो थे पलट गए और बोले कि आपने गलत बयान दिया है, ठीक है। क्या थाईलैंड के लोग गलत बयान देते हैं, उनको जाकर के बोले जो है। एक बात दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पहले से मैं एक बात बोलता आ रहा हूं, जहां जहां बौद्धों के अवशेष हैं वहां वहां किसी भी हिंदू देवी देवता की आपको मूर्ति जरूर मिलेगी,
ये विवाद की बात नहीं तो क्या है? यानी पांडव वहां पहुंच गए नासिक में, पांडव जो है बुद्ध गया के बाबूजी टेम्पल में पहुंच गए, यानी जहां जहां बुद्धिस्ट प्लेस है वहां पर पांडव चले गए। वही दूसरी तरफ उन्होंने जो पिटीशन यानी दायर किया कि यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो एक तो उनकी पिटीशन में ये गलती है कि जब उच्चतम न्यायालय ये आदेश दे चुका कि ये राम जन्मभूमि है, रामलला की भूमि है, यहाँ मंदिर बने और 5 एकड़ जमीन उनको दे दी जा, उन्होंने ऐसे जजमेंट कर दिया जैसे सृष्टि के यही मालिक है। अब ये कभी भी जो लोग न्याय फैसला करने वाले हैं ये कभी भी जो कुछ भी मुंह से बोल देंगे वो सब फाइनल है, ठीक है? अगर हम इसको मान लें तो जिन उच्चतम न्यायालय के लोगों ने ये फैसला दिया कि ये रामलला की भूमि है, अगर उन्होंने पिटीशन दायर ये कहकर किया कि यहाँ राम मंदिर नहीं बुद्ध विहार बनना चाहिए, तो वो जो जज जो फैसला दे चुके हैं कि ये रामलला की भूमि है, तो आप बताओ बौद्धों के पिटीशन को स्वीकार क्यों कर ले? जो उसको पहले देने वाले तो दोबारा अपनी दोबारा कैसे दे देंगे? दूसरी चीज एक और है, बौद्धों ने भी तो पिटीशन दायर किया था, पहले भी किया था जब राम मंदिर, जिसको विनय ने यानी विनीत कुमार मौर्य ने किया था फैजाबाद का है वो, तो उसकी उस अपील को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था और ये कहा था तीनों अपील एक साथ सुनी जाएंगे, ठीक है? अब प्रश्न मेरा ये है कि जब ये फैसला दिया गया तो एक बार भी अदालत ने बौद्ध प्रतिनिधि को अपनी कोर्ट में क्यों नहीं बुलाया? कम से कम यही कहते कि आपके पिटीशन में कमी है, या वो ये कहते कि आपने पिटीशन देर से दायर किया है, या वो ये कहते कि पिटीशन में दम नहीं है। जब वो पिटीशन गलत थी, जैसे आज उसको खारिज कर दिया और उन पर 1-1 लाख रुपये जुर्माना भी कर दिया, ठीक है, उसको भी खारिज कर देते, उसमें भी जुर्माना कर देते, ये तो मैं ये कह सकता हूँ, ये इस बात का प्रतीक है कि तुम इसके खिलाफ एक शब्द मत बोलो। यानी बौद्धों की जगह अगर बौद्ध बोलते हैं तो उनकी जवान को बंद करने के लिए 1 लाख रुपया जुर्माना, ठीक है? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, बुद्ध गया का महाबोधि विहार जो बौद्धों का है, मुझे भारत सरकार बताए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बताएं, क्या वो बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों का नहीं है? ये सरकार कहती है नहीं, भगवान बुद्ध जो है विष्णु के 9वें अवतार है। अरे मैं अगर ये बोल दूं हराम खोर हो तो लोग पूरे देश के मुझे गालियां देंगे, ये भत्ते कैसे बोल रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, अबे बुद्धि पे तरस खाने वाले लोगों या भांग खा करके कोई बात कहने वाले लोगों, मुझे बताओ कि सारे भगवानों ने अवतार लेने का सर्टिफिकेट तुमने देना शुरू कर दिया है उसको, यानी तुम कहोगे वही भगवान है, तुम कहोगे वही अवतारी है, तुम कौन हो? हम ये कहते हैं कि जिसको तुम कहते हो ये भगवान है और हम ये कहते हैं वो शैतान है। भाई तुम जब ये कह सकते हो कि भगवान है तो हम ये क्यों नहीं कह सकते वो शैतान है? तुम इसका प्रूफ दो कि वो भगवान कैसे है और हम प्रूफ ये देंगे वो शैतान कैसे है? जिसकी धरती पर ये जुर्म और अत्याचार हो रहे हैं, एक तरफ कहते हो भारत माता की जय हो और वही भारत माता की छाती पर उसी की संतान की अस्मत को लूटते हो, उसी की बेइज्जती करते हो, अबे तुम कौन सी भारत माता के मानने वाले हो? मैं तो ये कहूंगा जब 16,000 कृष्ण की जो है गोपिकाएं थी, 16,000 बताते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं लोग, तो 2-4 तो तुम भी रखते होगे, कृष्ण के मानने वालों की 2-4 तो होंगी। इसीलिए महिलाओं पर अत्याचार होता है, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता की अगर परीक्षा ली तो आज हर आदमी औरत से कहता है तू बदमाश है, तू बदमाश है। क्या आदमी शरीफ है? क्या आदमी बदमाश नहीं हो सकते? जब 16,000 श्री कृष्ण रख सकता है तो कोई आदमी अगर 4 रख ले तो क्या परेशानी है? मुसलमानों 5-5 रखने की बात है, अबे तुम 16,000 की बात करो। उसने आसाराम बाबू ने कोर्ट में कहा कि उनकी तो 16,000 थी, अगर 2-4 के साथ मैंने गलती कर दी तो क्या गुनाह कर दिया जो मुझे भी जेल में डाल दिया? वो आसाराम बाबू ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। इसलिए मैं ये कहूँगा जबरन झूठ बोल करके, जबरन झूठ बोलकर किसी झूठ के लबादे को लोगों के ऊपर थोपना या जबरदस्ती लोगों को अपनी बात बनाने के लिए मजबूर करना, तलवार के बूते पर शासन करने की कोशिश करना, कभी भी दुनिया में कोई भी आदमी कामयाब नहीं हुआ, जन्म के बाद मरना है। ये हटबंदी ये हटधर्मी की बात करने वाले लोगों, होश में आओ और इस देश को एक ऐसे मार्ग में लेके जाओ जहाँ खुशहाली हो, जहाँ भूखों को रोटी मिले, जहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिले। तुम तो पूरे देश को बेचने के चक्कर में हो,
मैं सभी से ये यानी कहूँगा कि सन्मार्ग पर चलो और देश में मानवता को बचाओ, नैतिकता का विकास करो, तभी हमारे देश का विकास होगा। नहीं तो राम मंदिर क्या, तुम हजारों मंदिर बना दो, सैकड़ों मंदिर बना दो, जिस देश में 33 करोड़ देवता हों और वो देश आज भी भूखा नंगा है, एक भी भगवान तुम्हारे काम आने वाला नहीं, क्योंकि ये सब झूठा है। तो दोस्तों ये थे भजन दानंद जी, जो अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत लंबी चौड़ी इनके साथ हमारी तकरीर रही, पूरे हिंदू धर्म का, हालांकि हम सिर्फ अयोध्या मामले पर बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पूरे हिंदू धर्म का जिस प्रकार से व्याख्यान उन्होंने दी है, कही है, जो बातें उन्होंने बताई है, बहुत सारी बातें ऐसी रही जो हम जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि उसी पर बात करना चाहते थे, मैं बीच में टोक करके एक बात कहूँगा कि राम की जो जन्मभूमि की बात जो की जाती है कि रामा पैदा हुए 16 गवाह थे इस बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मसले पर, 12 इतिहासकारों का कहना ये है ऐतिहासिक दृष्टि से कभी भी रामिया पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल, ये मात्र ये छलावा है, झूठ है, जब वो 12 इतिहासकार कह रहे हैं जी। अरे मैं बोलता हूँ, कोई बोलता है तो तुम कहते हो उठा के बंद कर दो, देशद्रोही है। अरे उन इतिहासकारों को बंद करो ना, सुरेश अज्ञात को बंद करो ना, ये जो भदनदान कौशल्या की किताब थी जब्त करो ना, बाबा साहब ने लिखा उसको जो है राम की पहेली, उसको बंद करो ना, सच को तुम तो क्या तुम्हारे बाप भी दबा नहीं सकते। तो बस चलते चलते यही आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय दीजिए। आपका कोई सवाल है मुझसे अवंते से तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, rahulnagpalofficial@gmail.com पर हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी मुद्दे के साथ में, बनते जी या अन्य किसी गेस्ट के साथ। जय भीम, नमस्कार।